सो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार हम लोग किस तरीके से अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर पाइथन को रन कर सकते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास अपना खुद का पीसी नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो उसके बावजूद क्या आप लोग पाइथन रन कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में? आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से पाइथन को एंड्रॉयड में रन कर सकते हैं। अगर नहीं है लैपटॉप डेस्कटॉप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, एंड्रॉयड में चल सकता है पाइथन। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन आप लोग बस इंस्टॉल करनी होगी और उसके बाद फिर आप लोग यूज कर सकते हैं पाइथन को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, ठीक है। और अगर आप फिर भी नहीं चाहते कि आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़े अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं पाइथन को। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यूज़ कर सकते हैं पाइथन को। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, उससे आप लोग काफ़ी आसानी से पाइथन यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कोड होगा मेरी वेबसाइट पे, मैं मानता हूँ उसको आप लोग वहाँ से क्लियर कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आप अपना कोड वहाँ पर रन कर सकते हो। हाँ, कुछ लिमिटेशन ज़रूर है वहाँ पर कि आप लोगों को पाई गेम का रन नहीं कर सकते कोड, आप लोग टिक इंटर चला नहीं सकते, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी वेबसाइट पे। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एंड्रॉइड एप्लीकेशन बता देता हूँ, उसका यूज़ करके करने के बाद फिर आप लोगों के पास कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी कि आप लोग पाई गेम नहीं रन कर सकते, टिक इंटर नहीं रन कर सकते, टेंसर फ्लोर नहीं रन कर सकते, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आ चुके हैं हम लोग हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ से हम लोग को जाना होगा सबसे पहले तो प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर को आप लोगों को ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना होगा एक एप्लीकेशन को, जो कि हमारी पाइड्रॉइड 3, ठीक है। पाइड्रॉइड को हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। पाइड्रॉइड 3 आप लोगों को यहाँ दिख रही होगी और पाइड्रॉइड 3 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। काफ़ी अच्छी IDE है पाइथन की हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, ठीक है। आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर और फिर आप लोग करना होगा इसे ओपन। मैंने इसे यहाँ ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है कुछ ऐसी न्यू वाली फाइल, ठीक है। न्यू फाइल मिलने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को आने के बाद लिखना होगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड का क्या मतलब है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक हमारी सीरीज़ देखी है तो। अगर नहीं भी देखी है तो कोई इशू नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रिंट हेलो वर्ल्ड का मतलब होता है जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम टेस्टिंग के लिए हम लोग को प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, जिसकी हम लोगों को ये पता चल सके कि ये चीज़ ठीक से वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को पैरेंथेसिस का प्रिंट के बाद। तो मैं यहाँ जो फेस कैम की मेरी वीडियो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिख सके इसे और मुझे भी कीबोर्ड दिख जाए। हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे इसे रन करना होगा, बट इस तरीके से मत लिख देना जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पे कोटेशन से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोटेशन से लगा रहा हूँ प्रॉपरली और मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं लगाया था स्टार्टिंग में, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे कोटेशंस भी लगा दिए हैं। अब हम लोग क्या करना है, हमको यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा येलो कलर का बटन, इसको आप लोगों को यहाँ प्रेस कर देना। जैसे ही आप लोग इसे टैप करेंगे, टच करेंगे, तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। ये यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, आई एम श्योर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया। आप लोग चाहे जिस मॉड्यूल को, लाइब्रेरी को इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप लोग बस इसे रन करना है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अगर आप लोगों को इस फाइल को सेव करना है तो आप एक तो ये चीज़ कर सकते हो यहाँ से जाने के बाद, फिर आप लोग इसे शेयर कर सकते हो सबसे पहले तो, कि अगर आप लोगों को इसे शेयर करना है तो, ठीक है। बट अब हमें यहाँ पे इसे शेयर नहीं करना है, अभी हम लोग क्या करना है, इसे सबसे पहले सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, आप लोग के लिए आप लोगों को यहाँ पे इस फोल्डर के आइकन को क्लिक करना है, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा सेव को, या फिर आप सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ। और फिर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी सारे ऑप्शन मिल गए आपके पास कि कहाँ पर आप लोगों को इसे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे इसे इंटरनल स्टोरेज के अंदर सेव करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, एक न्यू फोल्डर का नाम मैं यहाँ रख देता हूँ पाइथन, ठीक है। आप कोई भी नाम रख दीजिए इसे, मैं यहाँ पाइथन रख रहा हूँ, या ठीक है पाय रख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ पाय वैसे रखना नहीं चाहिए था बट मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब और फिर क्या करना है, आपको सिलेक्ट फोल्डर पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पाइथन की फाइल का यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। तो मैं क्या नाम रख रहा हूँ इसका, मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ TUT, बस TUT मैंने यहाँ नाम रख दिया और अब कर दिया मैंने इसको यहाँ पे सेव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कह दिया दिस पाइथन फाइल इज़ सेव्ड। अब ये फाइल तो यहाँ सेव हो गई है, आप इसका जब चाहे तब यूज़ कर सकते हो और आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों को यूज़ करना है पाइथन के टर्मिनल का, तो आप टर्मिनल पे भी जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम लोग लाइनक्स का टर्मिनल जनरली यूज़ करते हैं, आप लोग अगर लाइनक्स के यूज़र हैं तो आप लोगों को मालूम होगा। और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे इंटरप्रेटर पे क्लिक कर सकते हो और इसका जो इमीडिएट मोड होता है या फिर जो इंटरैक्टिव मोड होता है हम लोग कहते हैं जिसे, उसको आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं इसमें, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, बस इस ट्यूटोरियल के अंदर मुझे आप लोगों को यही बताना था कि आप लोग किस तरीके से अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हो पाइथन को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी था मुझसे कि यार प्लीज़ बता दो कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, हम कैसे चलाएं। तो आप इसे काफ़ी आसानी से चला सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में पाइथन सीखने के लिए, कोई भी आप लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अभी सिर्फ अगर आप लोगों को बेसिक्स ही सीखना है तो मैं आप लोग कहूँगा कि आप लोग इस एप्लीकेशन का अगर यूज़ नहीं करना चाहते, स्टोरेज की भी इशू है, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आके यूज़ कर सकते हैं पाइथन को, वहाँ पे भी उसे चलाना बिल्कुल फ्री है। आप लोग हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा ऑप्शन, किसी भी एक पोस्ट पे चले जाइए और वहाँ पे जाने के बाद फिर आप लोगों को पाइथन की स्क्रिप्ट पे आप लोग देख सकते हैं पाइथन की, उस पर आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोग किस तरह से रन करना है, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।